my name is Mayuri Pandey and welcome to my newest video. And this video is suggested by Funky Life. You know, relationship chahe 5 saal ka ho ya 5 mahine ka, earlier or later, har ek couple apni life mein ye cheez mehsoos karta hai ki ab hamare rishte mein wo pehle wali baat nahi rahi. I know this sounds dramatic, but they want that spark back in the relationship, and I'm going to tell you how to keep your relationship fresh as ever. So if you would like to be part of my YT fam, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. You know, I have searched a lot for this topic, और जितने भी advices थे वो सब ऐसे थे कि give your partner more attention, more kisses, more hugs, plan more dates. But what if आप date plan करते हो but because of some reason आप जा नहीं पाते हो? और what if आप एक long distance relationship में हो जहाँ पे intimacy तो दूर की बात है, आप उन्हें छू भी नहीं सकते हो. Dates plan करना तो दूर, आप उनसे मिल भी नहीं सकते हो. But you still want that spark back. और वैसे भी यार, you won't kiss your partner because you should. You will kiss your partner because you want to kiss. Anyway, let's talk about those real and effective solutions. Number one, remind your partner early days of your relationship. मगर ऐसे नहीं कि we used to be like that and now we are like this. हम पहले कितना साथ साथ में रहते थे, घूमने जाते थे और अब हम कुछ भी नहीं करते हैं. No, आपको compare नहीं करना है बीते हुए वक्त को आज से. वरना आपके पार्टनर को लगेगा कि आप कंप्लेन कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो कि थिंग्स हैव बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ यू. नो, डोंट डू दैट. सेंटेंस की शुरुआत ही ऐसे कीजिए कि तुम्हें याद है मैं ये कहती थी, फिर तुम ऐसे बोलते थे, फिर मैं हंस देती थी. यू नो, हर एक कपल के बीच में कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने कॉन्वर्सेशन में. इनफैक्ट ट्राई टू रिक्रिएट योर कॉन्वर्सेशन. ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन अगर ये हो जाती है ना तो दिस इज़ अमेजिंग. बिकॉज खैर, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को आप दोनों के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन, वो हर एक बात याद रहे, ताकि कॉन्वर्सेशन आप रिक्रिएट कर पाएँ. बिकॉज दिस वन इज़ टफ बट रियली अमेजिंग, ट्रस्ट मी. नंबर टू, कम्युनिकेट. इवन इफ़ यू आर बिजी, ट्राई टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर. और उस कॉन्वर्सेशन में आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, एक दूसरे की बातें कीजिए. उन्हें बताइए कि उनकी छोटी छोटी आदतें आपको अभी भी याद हैं, और उन्हें जताइए कि वो भी आपके साथ हर एक बात शेयर कर सकते हैं अभी भी जैसे वो पहले करते थे. एंड यू नो, स्टार्टिंग के डेज में जब हम डेट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को बहुत से गाने डेडिकेट करते हैं, तो वो गाने उन्हें फिर से सुनाइए. वो पहला निकनेम जो उन्होंने आपको दिया था या आपने उन्हें दिया था, उस नाम से उन्हें वापस से पुकारिए और उन्हें बताइए कि जो सुकून आपको उनसे बात करके मिलता है वो किसी से भी बात करके नहीं मिलता, बिकॉज योर हार्ट बिलोंग्स टू योर पार्टनर. नंबर थ्री, नेवर स्टॉप फ्लर्टिंग. इवन इफ योर पार्टनर इज़ कि अब क्यों ट्राई मार रहे हो, अब तो पट गई मैं या पट गया. और ना, रिलेशनशिप में रहकर फ्लर्ट करने का अलग ही मज़ा है. वहाँ पे आपको अपने इंप्रेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं मैं चीज़ी या चीप तो नहीं लगूँगा, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है और उन्हें पता है कि आप कैसे हैं, कितने डिसेंट हैं. तो बस गूगल से पिकअप लाइन उठा उठा के मारो धार धार. एकदम मैं बताती हूँ, फर्स्ट फ्रेंड, I don't know why, but I was feeling little off today. But when you came along, you definitely turned me on. Second one, kiss me if I'm wrong, but dinosaurs still exist, right? Third one, you know what's in the menu? It's me and you. ऐसे cute cute pickup lines उठा के बोलिए जो जिससे उनके face पे smile आ जाए. Number four, honeymoon period is not over. So never make your partner feel like कि अब बहुत हो गया रोमांस, अब काम पे ध्यान दो और focus on your life. क्योंकि relationship में तेरी मेरी life नहीं होती है, हमारी life होती है. हाँ, busy होना पड़ता है काम में और दूसरी चीज़ों में, but make sure कि आप जब भी मिलो तब सिर्फ प्यार हो, लड़ने का time ही ना मिले. और ना, बहुत से ऐसे कपल होते हैं जो ये stupidity करते हैं कि complain करके और हालातों को blame करके सारा time waste कर देते हैं. बट आप ऐसे मत कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट द स्टूपिड वन. नंबर फाइव, एक्सेप्ट द चेंजेस यू हैव बीन थ्रू. यू नो, सब दिन एक जैसे नहीं होते, हालात बदलते हैं, आपके पार्टनर का बर्ताव भी बदलता है, समटाइम्स फीलिंग्स भी बदल जाती हैं. लेकिन जिस इंसान से प्यार हुआ था वही बदल जाए तो फिर कैसे चलेगा?
और अक्सर लोगों को जो चीज़ अपने पार्टनर की स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, बाद में वो उन्हीं आदतों से या उन्हीं चीज़ों से इरिटेट होने लगते हैं। क्यों भाई, क्या सोचा था पहले कि बाद में इनको बदल लेंगे या ये आदतें निकाल के दूसरी डाल लेंगे? एम्ब्रेस योर पार्टनर्स इम्परफेक्शंस। अपने पार्टनर के लिए प्यार बढ़ते रहना चाहिए, फिर स्पार्क अपने आप आ जाता है रिश्ते में। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। एंड आई लव मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज। आई मीन, रिलेशनशिप अगर बना है तो उसे अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बुरा रखने से या टेंशन लेने से या अपने पार्टनर को परेशान करने से, लाइक कंप्लेंट्स वगैरह करके या एक दूसरे को ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिश्ते में आता है इंसान खुशियों के लिए, खुश रहने के लिए। सो रिलेशनशिप को हैप्पी बनाएं, टेंशन वाला नहीं बनाएं प्लीज़। लव यू ऑल।